जिंदगी के रंगों को अगर हम नए आयाम न दें तो वो जिंदगी कितनी बेरंग होगी। शायद यही कारण है कि कलाकार सामान्य सी लगने वाली चीजों में भी नए आयाम तलाश ही लेते हैं। ऐसा ही एक संयुक्त प्रयास है सुप्रिया, अंजुल और राजेंद्र के चित्रों और सेरेमिक्स कलाकृतियों की प्रदर्शनी। सुप्रिया के चित्रों का विषय है चेहरे। इन्होंने मिक्स मीडिया में कई दिलचस्प प्रयोग किए हैं। जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद वो था कि अलग तरीके का टेक्सचर, मतलब थोड़ा अलग हटके, क्योंकि जैसे इसलिए ही मैंने इसे, मेरा जो काम है उसमें पेपर और वो सब लगाकर थ्री डायमेंशनल बेसिकली, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, फेविकॉल, टेक्सचर वाइट, डिफरेंट चीज़ों का जो लोग रोज़ यूज़ करते हैं लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी यूज़ हो सकता है प्लास्टर और पेरिस और ये सब। राजेंद्र ने अपनी पेंटिंग्स में राजस्थान की मरुभूमि और वहाँ के जीवन को उभारा है, तो अंजुल ने सिरेमिक्स कृतियों में कला के साथ उपयोगिता भी तलाशी है। जो भी सिंपल पॉटरी, जैसे जो भी व्हील पे बनती है, वह बाजार में जाओ तो आपको सिंपल फॉर्म्स दिखती हैं। अब उसमें हमने कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए कि कुछ डिज़ाइन डिफरेंट, नहीं तो उसके ऊपर कुछ डिफरेंट उसके ऊपर अटैचमेंट्स, तो एक चीज़ जरा हट के जो उसमें यूटिलिटी और वो चीज़ एक यूज़ में भी आए, ये नहीं कि सिर्फ डिज़ाइन के उसमें हो बट यूज़ में भी आए। राजस्थान कलर्स के लिए माना जाता है एंड वहाँ की डेली एक्टिविटीज़, स्पेशली वुमेन एक्टिविटीज़, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तीनों का ही ये पहला सार्वजनिक प्रयास सराहनीय है और वे इस कदम से उत्साहित भी हैं। शायद इसीलिए उन्होंने इस प्रदर्शनी को नाम दिया है उम्मीद। सुबह सवेरे, मैं अंशु नेथानी।